हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7 स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 24। तो प्रैक्टिस सेट 24 में आज हम क्या करने वाले हैं, तो जो रैशनल नंबर हमें दिए हैं उनको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसे हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 7 स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 24। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि रैशनल नंबर जो है इनको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है एग्जांपल क्या है, 13/4, मींस 4 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 13 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड का साइन देंगे और 13 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो कैसे करेंगे देखिए, 4 3 12, तो 13 माइनस अगर 12 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। अभी देखिए 1 जो नंबर है ये 4 से कैसे है, छोटा नंबर है, तो 1 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, देखिए जैसे कि आपके बुक में जो मेथड दिया है पहले हम उससे सॉल्व करेंगे, फिर 13 पॉइंट यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट होता है उसका हम साइन देंगे, उसके बाद एक जीरो लेंगे, फिर यही जीरो, जैसे कि हमें पता है कि आगे अगर नंबर होता है तो उसे हम कहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे नीचे लेते हैं, जो भी यहाँ पे माइनस करने के बाद नंबर आता है उसके साइड में लिखते हैं। तो जीरो आया है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो अभी नंबर क्या मिलेगा हमें, 10 मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा 4 2 8, 10 - 8 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 आएगा। अभी देखिए फिर से 2 जो है 4 से छोटा नंबर है, तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। फिर से क्या होगा, इस डेसिमल पॉइंट के बाद एक जीरो दिया है और एक जीरो हम देंगे यहाँ पे, और वही जीरो फिर नीचे आएगा और नंबर बनेगा 20। अभी 20 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, 4 5 20, तो 20 - 20 क्या आएगा, 0। 0 आने तक हमें क्या करना है, नंबर को डिवाइड करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 0 0 लिए। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो भी ये क्वेश्चन आया है ये हमारा आंसर है क्या, नहीं, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमने 20 लिए है, मींस 20 के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट देंगे 1 2, तो यहाँ पे आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट, तो आंसर क्या आएगा, 3.25, तो ये आंसर आएगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है -7/8, तो जो फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया उसके लिए जो मेथड हमने यूज की वो जो आपके टेक्स्ट बुक में दी है वही मेथड हमने यूज की है। तो यहाँ पे दूसरी एक मेथड है उसे भी यूज करेंगे, आपको जो भी इजी लगती है उसे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, -7 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो -7 क्या है, 8 से छोटा नंबर है, तो देखिए कोई भी टेबल होता है उसकी शुरुआत होती है 0 से, तो 7 से छोटा 0 आएगा, तो 8 0 0 आएगा। यहाँ पे -7/-0 दिया है, तो यहाँ पे आंसर तो 7 ही आएगा, लेकिन साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे 7 जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी फिर से क्या है, 7 छोटा नंबर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे पॉइंट देके 0 आगे लिया था, वही 0 हम नीचे लेते थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में जो 0 आया है उसके बाद डेसिमल पॉइंट देंगे और यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 0 लेंगे, जो कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 70। अभी 70 को हम डिवाइड कर सकते हैं 8 8 64, तो 70 - 64 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, फिर से 0 यहाँ पे लेना है, तो ऊपर हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट दिया है इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 60 लिखेंगे। अभी देखिए 8 7 56, तो 60 - 56 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अभी 0 ले सकते हैं, तो 40 आता है कि 8 की टेबल में आता है, 8 5 40, 40 - 40 करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, 0.875 यह आएगा आपका आंसर। तो आपको अगर ये मेथड इजी लगती है तो क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व कीजिए, या फिर जो पहला वाला आपका मेथड है उसे अगर आपको सॉल्व करना है तो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आंसर में आपको क्या करना होगा कि -7 आया था, आपको जो ये रैशनल नंबर दिया था यहाँ पे -7 माइनस का साइन था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे आंसर में भी माइनस का साइन, तो ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि साइन यहाँ पे चेंज होगा, माइनस का दिया है इसके लिए आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट नंबर दिया है पहले उसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा, उसके बाद 7 का 35 35 प्लस क्या होगा 38, तो 38/5 ये हमें नंबर मिलेगा, तो 38 को हमें डिवाइड करना है 5 से, 38/5। तो अभी देखिए पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल हमने सॉल्व किया वो जो मेथड थी हमने कौन सी यूज की थी, जो आपके बुक में दी है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट यूज करेंगे जो कि आपको इजी लगेगा, कि देखिए 38 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 7 35 होता है, तो 38 - 35 करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, 3 आएगा। अभी 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे,
करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में जो सेवन आएंगे उसके बाद डेसिमल पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे जीरो दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? तो पहले जो हमने एग्जांपल सॉल्व किए उसमें मैंने बताया था कि इस नंबर के बाद हमने जीरो लिया था, वो वही जीरो क्या आता है, नीचे आता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, हम पहले डेसिमल पॉइंट दिया है तो नीचे नीचे जो भी नंबर आएंगे उनके ऊपर हम जीरो इजीली ले सकते हैं। तो 5 6 क्या होगा 30, तो 30 - 30 क्या आएगा जीरो, और आंसर आपका क्या मिलेगा 7.6 मिलेगा। तो अगर आपको ये इजी लगता है तो इसी मेथड से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट नंबर है 5/12, मींस हमें 5 को डिवाइड करना है 12 से। तो 5 तो छोटा नंबर है, इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए 12 का टेबल जो होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 12 0 0 इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे टेबल भी लिखते हैं हम, 0 से स्टार्ट होता है। इस तरीके से हमने टेबल लिखा तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से स्टार्ट होगा, 12 0 0। तो 5 छोटा नंबर है तो 5 से छोटा नंबर तो 0 ही आएगा, तो 12 0 0 लिखेंगे। 5 - 0 करेंगे तो आंसर आएगा 5, फिर से 5 ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे पहले हमने किया था 0 के बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिया इसके लिए हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अभी देखिए 50 आ रहा है कि यहाँ पे नहीं, 48 आ रहा है फोर्थ प्लेस पे, 12 4 48, तो 12 4 48, 50 - 48 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। फिर से 2 आ रहा है, छोटा नंबर है 2 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी है तो यहाँ पे 0 हम ले सकते हैं। अभी देखिए 20 आ रहा है क्या, नहीं, तो 20 से छोटा नंबर तो 12 ही आ रहा है, 12 1 12, तो 20 - 12 करेंगे तो आंसर आएगा 8। फिर से 8 छोटा नंबर है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, अभी हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो देखिए 80 कहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं, 80 से छोटा नंबर आ रहा है हमारे यहाँ पे 72, और कौन से प्लेस पे है, यहाँ पे 6 प्लेस पे, 12 6 72। फिर से क्या आएगा आंसर 8 आएगा, 8 के ऊपर अगर हम 0 लेंगे तो फिर से 80 आ रहा है। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, 12 6 72, और फिर से हमारा आंसर क्या आएगा 8। तो आगे कितने भी बार आप करोगे तो आंसर आपका यही आएगा 8, वो 80 होगा और 72। मींस आगे अगर आप जाओगे ना तो 6 6 क्या है, रिपीट रिपीट होता जाएगा। अगर एक सिंगल नंबर रिपीट होता है तो ऐसे समय पे आपको क्या करना है, जो फर्स्ट 6 आएगा आपका इसके ऊपर इस तरीके से पॉइंट बनाना है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 0.4166। तो ये क्या हो रहा है, 6 रिपीट रिपीट आ रहा है एक ही नंबर, तो ये जो पहला 6 है उसके ऊपर आपको इस तरीके से पॉइंट देना है और यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट है 22/7, मीन्स 22 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, 7 3 21 आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमें 1। 1 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो इसके लिए 3 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट दिया तो यहाँ पे आएगा 0। तो यहाँ पे 10 को डिवाइड करना है तो क्या आएगा, 7 1 7, आंसर आएगा हमारे यहाँ पे 3 आएगा। तो डेसिमल पॉइंट दिया है इसके लिए हम यहाँ पे छोटा नंबर है तो 0 ले सकते हैं। उसके बाद 7 से फिर से हमें क्या करना है, 30 को करना है, तो क्या आएगा, 7 2 14 7 2 21 7 4 20 8 आएगा, 6 क्या आ रहा है यहाँ पे, फिर से छोटा नंबर। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 7 7 49 7 8 56 7 8 56 आएगा, तो 60 - 56 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 फिर से छोटा नंबर है तो 4 के ऊपर हम क्या करेंगे, 0 देंगे, तो क्या आएगा, 7 4 28 7 5 35 7 5 35, फिर से क्या आएगा आंसर हमारा 5 5 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, 0 देंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। तो 7 7 क्या होगा, 49। तो 50 - 49 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से, जहाँ पे 1 आया था हमारा, और उसके बाद से जो नंबर आए यही नंबर जो है 1 के बाद फिर से रिपीट होंगे। कि यहाँ पे हमने अगर 0 लिया तो 10 होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से 7 1 7 करेंगे और यहाँ पे 3 बचेगा। देखिए यहाँ पे 1 बचा था, उसके बाद 3 आया था, तो यही आंसर फिर से क्या होगा हमारा, रिपीट रिपीट आते जाएगा आगे अगर आप करोगे तो। इसके लिए ऐसे टाइम पे हमें क्या करना होता है कि जहाँ से फिर से नंबर हमारा रिपीट हो रहा है वहाँ पे हमें रुक जाना है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अभी नंबर रिपीट रिपीट फिर से वही आ रहे हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना होगा, स्टॉप। फिर आंसर हम कैसे लिखेंगे कि पॉइंट के बाद 4 जो डिजिट है
ये जो फोर डिजिट है ये मिल जाएंगे, तो यही हमें आंसर में लिखना है। तो कैसे आएगा कि 3.1428, बस यहाँ तक लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आगे के जो नंबर है फिर से रिपीट रिपीट होने वाले हैं, तो पॉइंट के बाद के जो फोर डिजिट है वहां तक ही हम आंसर लिखें। नेक्स्ट है 4/3, मीन्स 4 को हमें डिवाइड करना है 3 से, तो क्या आएगा 3 1 3 आएगा, 4 - 3 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1। 1 छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं कर सकते, डेसिमल पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 से डिवाइड करने के बाद 3 3 9 आएगा, 10 - 9 करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद फिर से क्या है, यहाँ पे 1 दिया है, तो फिर से ये छोटा नंबर इसके लिए 0 लिखेंगे तो 3 3 9 आएगा। सेम ऐसे ही आप करते जाओगे आगे, तो क्या होगा, यही नंबर रिपीट रिपीट, मीन्स 3 ही क्या होगा, रिपीट रिपीट आता जाएगा। कि देखिए फिर से हम अगर करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, फिर से 1 ही आ रहा है, रिपीट होगा प्रोसीजर, इसके लिए यहाँ पे आंसर भी रिपीट होगा। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले देखा था 1.33 आगे कंटिन्यूअसली है, तो इस 3 के ऊपर क्या करेंगे हम, इस तरीके से पॉइंट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। 7/9, मीन्स 7 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो देखिए 7 को हम डिवाइड पहले नहीं कर सकते, क्योंकि 7 क्या है, छोटा नंबर है, तो 9 0 का 0 करेंगे तो 7 - 0 करेंगे तो आंसर 7 ही आएगा। उसके बाद जो है फिर से 7 जो है छोटा ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पे 0 लेंगे, तो 9 7 का क्या आएगा, 70 - 63 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फिर से 7 आएगा, 7 को डिवाइड नहीं कर सकते, फिर से 0 लेंगे तो 9 7 63, फिर से आंसर क्या आएगा 7, फिर से वही होगा रिपीट रिपीट, फिर से यहाँ पे क्या होगा आंसर 0.77, आगे कंटिन्यू वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यही आएगा आपका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, इसी तरीके से हमें क्या करना है, सारे एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व करने हैं, जहाँ पे रिपीट आंसर होता है पॉइंट के बाद का, तो आपको इस तरीके से पॉइंट देना है उस नंबर के ऊपर। तो आई होप आपको जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपके जो फ्रेंड्स होंगे सेवन स्टैंडर्ड में उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर।